आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। ओह, तभी सब कहते हैं कि मैं 40 की उम्र में भी 20 की लगती हूँ। सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। और नहीं आया तो, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूँगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज़्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। आज सब्जी में नमक क्यों नहीं है? वो सब्जी थोड़ी जल गई थी ना, तो नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग जले पर नमक नहीं छिड़कते। देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किस विश ना किया करो। मैडम जी, अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? बिल्कुल गोबर जैसा। हे भगवान, इस आदमी ने हर चीज चख रखी है। आलू का पराठा बना दूं आज आपको? नहीं, रहने दे, मैं इंसान ही ठीक हूँ, बड़ी आई जादूगरनी। हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी भी है? बताया तो था तुम्हें, रानी की तरह रखूंगा। तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा आ जाए। तुम मेरी जिंदगी हो, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर तुम तो हमेशा मुझसे ही लड़ती हो। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।